फ्रेंड्स, मैं आज मैं आप लोगों को दिमापुर का थोड़ा अपना सिटी का क्लिप दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी चर्च रोड है, दिमापुर टाउन है, ये मेन टाउन है, मैं यहीं पे रहती हूँ इसका बगल में। तो मैं सोची आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए पूरा सक्सेस हो गया है, ये पूरा लॉकडाउन का कैसे पालन हुआ है, पूरी पुलिस भी है। मैं जा रही हूँ, देखिए वो, मैं अपने घर जा रही हूँ, बस यही दिखाना चाहती थी आपको। देखिए आज मेरा यहाँ पे लॉकडाउन कैसे चल रहा है, यहाँ पे पूरा कैसे सक्सेस हुआ, यहाँ पे पूरा लॉकडाउन का पब्लिक और पुलिस मिल के एक दूसरे को सहयोग किया और सक्सेस बनाई। यही मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग से भी कि पूरा सक्सेस बनाइए। देखिए पूरा सख्ती से हर पब्लिक और पुलिस मिल के सहयोग करके इसका पालन किया। तो आज दिमापुर पूरा ग्रीन जोन में चल रहा है और यहाँ की मार्केटें खुल जाएंगी यहाँ पे, ऐसे सुनने में मेरे को आया है, मैं पूरा कन्फर्म नहीं बोल सकती हूँ अब देखिए। लेकिन मैं वही दिखाना चाहती हूँ लॉकडाउन का। मैं पहले वीडियो में आप लोग से बोल चुकी हूँ कि मैं अपना दिमापुर का जहाँ रहती हूँ वो आप लोग से शेयर करूंगी और दिखाऊंगी, खुलने से पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरा आज दिल हुआ आप लोग से कुछ शेयर करने का, तो मैं शेयर कर रही हूँ और इसीलिए मैं जुड़ी हूँ। ये मैं आप लोग को क्लिप दे रही हूँ, आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि मेरा सिटी कैसा है। धन्यवाद। तो बना रही हूँ डोसे सांबर और चटनी। तो मैं सांबर का तो रेसिपी आप लोगों को शेयर कर दी हूँ, लेकिन चटनी का भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मैं जो डोसे बना रही हूँ उसकी मसाले में जो अंदर में डाली जाती है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और डोसे कैसे बनती है वो मैं दिखा रही हूँ। इसीलिए आप लोग को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरी रेसिपी को आप लोग ऐसे देखते रहिए, ऐसे पसंद करिए और चलिए आ जाइए। ये मैंने कुछ आलू पहले से बॉईल करके रख लिए हूँ, देखिए ऐसे करके बॉईल करके छील के रख लिए हूँ। एक टमाटर काट के रखी हूँ, ये दो प्याज है मेरी, ये हरी धनिया पत्ती है और एक काट मिर्च है, हरी मिर्च और एक कढ़ी पत्ता है और ये पत्ता गोभी है, कैबेज काट के एक कटोरी रख ली हूँ। अब मैं मसाले बनाऊँगी। तेल चढ़ा दी हूँ, गर्म हो गया है, इसमें काली सरसों डाल दी हूँ, देखिए चटक रही है सरसों मेरी। अब मैं इस सरसों के बाद मैं कढ़ी पत्ते डाल दूंगी। इसकी मसाले मैं तैयार कर रही हूँ, ये हो गई है। फिर मैं प्याज को डाल दी और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी इसको भी, थोड़ी ब्राउन पकाऊंगी, हाफ ही समझिए, हाफ पकाऊंगी इसको भी। फिर मैंने पत्ता गोभी डाल दी और इसको भी फ्लेम कम कर दी हूँ पकने के लिए और इसको चला के पकाऊंगी। फिर जो मिर्च काट के रखी हुई थी हरी मिर्च, तो उसको ऐड कर दूंगी। ये टमाटर है मेरे, सबको साथ में पकाऊंगी, फ्लेम कम कर दी हूँ ताकि पक जाए, ज़्यादा नहीं पकानी पड़ती है इसमें भी सब्जियाँ। और आलू पहले से बॉयल है तो इसको भी हाफ पकाऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हाफ पक गई है। अब आलू को मैं इसमें पूरा मैश कर दूंगी, तो इसको दबा दबा के तोड़ दीजिए ताकि आलू और हरी सब्जियाँ सब एक साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये सूखी मिर्च है, करीब टेस्ट का हिसाब से, और ये नमक वो भी टेस्ट का हिसाब से, और सबको ये हल्दी पाउडर है थोड़ी सी, और एक साथ इसको पूरा को मिक्स कर दीजिएगा। मैं भी कर रही हूँ, पूरा अच्छे से मिला दूँगी इसको। ये भी ज़्यादा इतना ये नहीं है, मैं जैसे बनाती हूँ वैसे शेयर करती हूँ। ऊपर से मैंने हरी धनिया पत्ती काट के डाल दी हूँ और सबको एक साथ मिक्स कर दूँगी। और हरी पत्ती धनिया पत्ती तो बाद में ही ऐड होता है। मेरी मसाले पूरी रेडी हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में हो जाती है पूरा। फिर मैंने ये डोसा के लिए ये फ्राइंग पैन रख दी, मैं इसी में बनाती हूँ इसीलिए फ्राइंग पैन में ही आप लोग को दिखा रही हूँ। पूरे तेज इसको फ्लेम में पूरा गर्म करना पड़ता है। फिर थोड़ी सी इसमें मैं तेल लगा लूँगी, पूरा तवे को गर्म कर लीजिएगा तब अच्छा से बनता है। जब गर्म हो जाने से फिर मैं कम कर दूँगी और पानी के छींटे मारूँगी। मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, बन भी जाता है मेरे से, तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप लोग को शेयर कर देती हूँ। ये डोसा पहले से रेडी करके इसका भी नहीं दिखा सकी क्योंकि टाइम लगता है, 24 घंटा पहले इसको सब करके रखना पड़ता है। इसमें भी चावल है, उड़द दाल है और मेथी दाना है और चना दाल है, इतना कुछ नहीं डाला जाता है, और थोड़ी सी नमक और थोड़ी चीनी। इसका भी मैं दिखा दूंगी आप लोग को पूरा, देखिए। और
और इसको पकने दीजिएगा अच्छा से, ताकि ये नीचे से ब्राउन हो जाए। थोड़ा सी मैं घी लगा दूँगी ऊपर से। घी लगाने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। घी नहीं होने से आप तेल भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी तेल ऊपर से लगा देने से अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्ट भी आता है। और मैं जो मसाले बना के रखी थी इसमें बीच में डाल दूँगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरा डोसा नहीं चिपकता है पूरा, इसीलिए मैंने सोची आप लोग से शेयर करूँगी। और सांभर और का तो मैं पहले से आप लोग का शेयर कर दी हूँ कैसे बनाई थी, तो सोची डोसा को शेयर कर दूँगी आप लोग को। देखिए मेरी डोसा नहीं चिपकती है, ये अच्छे से बन जाती है, ब्राउन हो गई है देखते ही मैं भी, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग भी। और पूरी क्रिस्पी होती है। देखिए मसाले मैं कम ही ऐड की हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे लोग ज़्यादा नहीं खा पाते हैं मसाले। और मैं ऐसे करके जो भी रखी हूँ पूरा को ऐसे बना लूँगी। देखिए मेरी पूरी डोसे अच्छे से बन गई है। इस तरह से मैं दूसरा भी ऐसे बना लूँगी। और इसको सांभर और चटनी के साथ, नारियल की चटनी होती है वो भी बहुत इजी है, उसका भी बोलने से आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं पूरी रेसिपी शेयर कर दूँगी, पूरा एक साथ नहीं कर सकते। देखिए कुछ इस तरह दिखेगा, और मेरी डोसे पूरी बन गई है।